भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर। आपने कल कथा में श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण बड़े बड़े महापापी का तरन तारण कर देती है। धुंधकारी नंबर एक का पापी था, परंतु मरने के बाद भी उसके नाम से कथा का आयोजन किया, सोई उसका कल्याण हो गया। और धुंधकारी चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुआ, और जैसे ही प्रकट हुआ तो बड़े भाव से गाने लगा, धन्या भागवतीर वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता हो पिता धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा। क्या बोले धुंधकारी? धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे महापापी का भी तरन तारण कर दिया। और उसी समय भगवान श्री हरि के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधकारी को लेकर के भगवान श्री हरि के धाम जाने लगे। सोई उसी समय गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, सरकार कथा तो सबने सुनी, पर ये स्पेशल विमान इनके लिए क्यों आया? अच्छा एक बात यहाँ पर बड़ी अच्छी याद आ गई हमें, पहले के जमाने में जब भागवत कथा हुआ करती थी तो पुष्पक विमान आते थे कि जिन जिन ने सुनी उनका बेड़ा पार, और तो पुष्पक विमान पर बैठ के जाओ। आज के जमाने में इतनी भागवतें हो रही, इतनी भागवतें हो रही, बैलगाड़ी तक नहीं आ रही है। तो कई लोग पूछ रहे, महाराज ऐसा तो नहीं है भागवत बदल तो नहीं गई, कहीं पुस्तक अदला बदली तो नहीं हो गई? भैया भागवत नहीं बदली है। आहा तो महाराज पर विमान क्यों नहीं आ रहा? अरे भैया कथा तो वही है, पुस्तक तो वही है, बस अंतर इतना हो गया सुनने और सुनाने वाले बदल गए। भागवत कथा हुई तो पुष्पक विमान आया, पर अब हो रही तो क्यों नहीं आ रहा? बोले भैया ना तो सुखदेव जी जैसा परमहंस कोई वक्ता बचा है और ना परीक्षित जैसा कोई श्रोता बचा है, अगर ये दोनों आज भी जुड़ जाएं तो आज भी पुष्पक विमान आ जाएगा। लेकिन अब आज के जमाने में का होत, आज के जमाने में होत कथा व्यास भी सोचत कथा चाहे ई तरफ हो बच जाए, चाहे ई तरफ हो मोटी गड्डी मिल जाए, सोई आनंद है। हाँ बढ़िया रकम मिल जावे, 50-50 एक एक लाख रुपया रोज चढ़ोतरी में आ जाए, बड़ा आनंद। और यजमान भी सोचत श्लोक होवे चाहे ना होवे, हमारो नाम फेमस हो जावे कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। हो तो कथा यजमान यथा यजमान तथा वक्ता मिल जाते हैं, सोई बेड़ा पार नहीं होता है। और आजकल यजमानों की भी विचित्र स्थिति है, कथा व्यास जी हन की तो है ही है, यजमानन की भी विचित्र स्थिति है। आजकल कथाएं करवाई ही इसीलिए जाती हैं कि बैनर ठोक दे जाएं। हाँ एक जगह हमारी भागवत भई है, और जहाँ यजमान भागवत करवा रहा हो तो हमारी फोटो तो उन्हें चिरैया सी लगा दे, इतनी सी कोने में अपनी ठोक दई भारी बड़ी, कोनू तरफ हाथ जोड़े, कोनू तरफ ऐसो खड़ो, कौनू तरफ भागवत धरें कलश लेके रखो, कौनू तरफ ऐसे हाथ करें। और हम जब कथा करने उस नगर में प्रवेश भयो, हमने देखो गौर से, हमने कही आ बुराई दुर्दशा है ते तो हमारी, इतनी सी फोटो चिरैया बराबर। और जब जजमान शाम के हमारे लो आओ पूजा पाठ का, हमने कहा सुन बैनर में हमारी छपवाई का यहाँ फोटो, अपनी अपनी लगा ले तो आगे के लगे। आजकल जजमान भी ऐसे, अभ्यास जी भी ऐसे, बोलो सीताराम। तो पुष्पक विमान आया तो गोकर्ण जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देखो महाराज कथा तो सबने सुनी,
पर ये विमान स्पेशल धुंधकारी के लिए क्यों? जब कथा सबने सुनी तो सबके लिए आना चाहिए। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, जरा सुनना मेरे पागलों। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संसिथा, श्रवणम तु कृतम सर्वेन तथा मननम कृतम। सुनो, कथा तो सबने सुनी पर जीवन में कथा सुनकर के मनन केवल धुंधकारी ने किया है, इसलिए कथा का फल धुंधकारी को प्राप्त हुआ। मानो ये बात कहना चाह रहे हो वेद व्यास जी कि कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा सुनकर के जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल हाल ये है कि गुरुजी की तो सब गुरुजी को तो सब मानते हैं पर गुरुजी की कोई नहीं मानता। भागवत को तो सब मानते हैं, भागवत की नहीं मानता। बोलो सीताराम। कई लोग तो ऐसे भी कहे भी माता पिता को मानते हैं। अरे माता पिता तो भगवान है, तो माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिताजी की बात नहीं मानते। और यही हाल है कि कल्याण नहीं हो रहा। बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी हमने बहुत माला की, बहुत पाठ किया, बहुत जाप किया, फल क्यों नहीं मिला? ठटरी के भरे जाप पाठ देने नक्कटा सब कछु करो लेकिन बात नहीं मानी। अब मान लो हम अर्जी लगाए और कह दें भाई 2023 में तुम दूल्हा बनोगे, अब लड़की देखने ना जाओ, टोपी ना पहरो तो कह को और बन के चलो जे है। भागवत भगवान रामचरितमानस मार्ग बता सकती है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। डॉक्टर दबा दे सकता भाई ये गोली है सुबह शाम खाओ, अब तुम गोली ले आओ पर खाओ ना और फिर पहुंच जाओ, डॉक्टर साहब 22 दिन हो गए आराम नहीं लगोगा, ए जल्दी टबक और जे, खाना तो तुमको ही पड़ेगा। बोलो सीताराम। उसी प्रकार हम तुम्हें कथा सुना करके भक्त बना सकते हैं लेकिन भक्त तुमको ही बनना पड़ेगा, भक्त तो आपको ही बनना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं बनने आएंगे। और विचित्र बात यह है कि हम आप सब चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भक्त ना हो, पड़ोस में प्रकट हो जाए। तो सर्वनस्य विभेदेन, कथा सुनने में भेद हुआ है। गोकर्ण जी ने फिर से कथा की, जहां पुनः कथा की सोई जो है पूरे ग्राम के लोग सावधान होकर के कथा सुने और सबका आत्म कल्याण हुआ, सबके लिए पुष्पक विमान आया और सब भगवान श्री हरि के धाम को चले गए।